Hello dear all students, I am Sunita from SDS Vidyapeeth. Welcome to your SDS Vidyapeeth online classes. So today in your nursery class and in your English subject, today I am going to teach you how to write letter G, capital letter G. Okay? मतलब आज आपके नर्सरी की क्लास में इंग्लिश के सब्जेक्ट में मैं आपको सिखाऊंगी कैपिटल लेटर जी कैसे बनाए. ओके, तो चलिए देखते हैं इसे कि हमें इसे कैसे बनाना है. आपके इंग्लिश के नोटबुक में जैसे फोर लाइंस होती हैं, या देखिए फोर लाइंस बन चुकी हैं. इन्हीं फोर लाइंस में मैं जैसे आपको बताऊंगी आपको कि वैसे ही आपके नोटबुक की फोर लाइंस वाली नोटबुक में आपको यह लेटर बनाना है और इसे सीखना है. सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ऑल स्टूडेंट, प्लीज लुक एंड लिसन हियर केयरफुली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. जी बनाने के लिए, कैपिटल लेटर जी बनाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ ए सर्कल लाइक दिस. ये देखिए, कैपिटल लेटर जी बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक ऐसा सर्कल बनाना पड़ेगा. ये देखिए कैसे मैंने बनाया इसे. यहां से फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हुए वो सर्कल मैंने सेकेंड लाइन में ऐसे और मतलब इन किया है. उसके बाद हम बनाएंगे सेकेंड लाइन में एक स्लीपिंग लाइन, ऐसे एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे बच्चों. यह बन गई आपकी स्लीपिंग लाइन जो आपके सर्कल को टच हुई है, जहां आपका सर्कल एंड हुआ है. उसके बाद स्लीपिंग लाइन के एंड से हमें स्ट्रेट लाइन, स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे. यह हो गई आपकी स्टैंडिंग लाइन जो थर्ड वाले लाइन को टच की हुई है और वहीं पर एंड हुई है. ये देखिए, ये बन गई आपकी स्टैंडिंग लाइन और आपका कैपिटल लेटर जी हो गया तैयार. योर कैपिटल लेटर जी इज रेडी. ओके, जी, जी फॉर ग्रेप्स. जी फॉर ग्रेप्स, ग्रेप्स मीन्स अंगूर. क्या होता है अंगूर? अंगूर किसे कहते हैं बच्चों? अंगूर होता है एक फल. जैसे ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, सेब भी एक फल है, फ्रूट है वो. इंग्लिश में फल को फ्रूट कहते हैं और ग्रेप्स जो है ग्रेप्स को हिंदी में कहते हैं अंगूर. अंगूर भी एक फल है, फल यानी कि फ्रूट है. फल को इंग्लिश में कहते हैं फ्रूट्स, फ्रूट, और ग्रेप्स को हिंदी में कहते हैं अंगूर. क्या कहते हैं? अंगूर, जिसे जिसे भी लोग खाना पसंद करते हैं. तो बच्चों चलिए एक बार हम इसे और सीखते हैं, आप लोग इस पे भी ध्यान दीजिएगा. तो फिर से देखिए, मैं एक सर्कल बना रही हूँ. सबसे पहले आपको एक सर्कल ऐसे बनाना है बहुत धीरे धीरे बच्चों, और यहाँ सेकेंड लाइन पे इसे टच कर देना है. ये देखिए, जैसे आप सी बनाते हैं सर्कल की तरह, कर्व लेते हुए, ऐसे कर्व लेते हुए यानी कि घुमाव लेते हुए. तो जब आप यहाँ सेकेंड लाइन पे टच कर दोगे, उसके बाद हमें स्लीपिंग लाइन ऐसे बनानी है. जब हमें यहाँ देखिए, मैं एक बार बता रही हूँ, ये हमने बना लिया सर्कल, उसके बाद हम बनाएंगे स्लीपिंग लाइन और उसके बाद लास्ट जो है हम बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन. ओके, ये बन गया स्टैंडिंग लाइन. अब मैं फिर से एक ही बारी में इसे रिपीट करके बता रही हूँ, आप लोग देखिएगा. सिर्फ थ्री स्टेप करना है आपको इसमें, कि ये हो गया आपका कर्व जो सेकेंड लाइन पे आया है, उसके बाद ये हो गया स्लीपिंग लाइन, ये हो गया स्लीपिंग लाइन, उसके बाद स्टैंडिंग लाइन. ये बन गया आपका कैपिटल लेटर जी. क्या बन गया? कैपिटल लेटर जी. जी फॉर ग्रेप्स, ग्रेप्स मीन्स अंगूर. क्या होता है? अंगूर. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर एंजॉय दिस. तो आप लोगों को इसमें आनंद आया होगा इसे बनाने में, और आप लोग सीखे भी होंगे. अगर आपको ये नहीं
तो आप लोग वीडियो को प्लीज रिपीट करके देख लीजिएगा और इसे अपने घर पर बनाना जरूर सीखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले अल्फाबेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।